पता है अभी एक सीन हो गया, सब कपड़ा सुखाया भाई। ओपी भाई ओपी। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? मेरा विवेक और आपको स्वागत है हमारे चैनल के एक और नए वीडियो पे। और ये एक वीडियो नहीं होने वाला है, ये एक व्लॉग बनने वाला है। और ये व्लॉग किस लिए बन रहा है, क्योंकि मैं जा रहा हूँ अभी अपने यूनिवर्सिटी। और ये यूनिवर्सिटी कौन सा होने वाला है ये आप वीडियो पूरा देखना, फिर पता चलेगा वीडियो मतलब यूनिवर्सिटी कौन सा है, ठीक है। और यहाँ से मैं जाने वाला हूँ संबलपुर से रायगढ़, और अभी मेरा ट्रेन, और अभी टाइम हो रहा है 7:30, और मेरा ट्रेन है 8:50 को, ठीक है। संबलपुर से है मेरा ट्रेन। तो मतलब मैं सोचा था व्लॉग बनाते हैं, एक बाद में देख सकते हैं कि भाई कितना मज़ा आया था कि मैं पहला दिन जा रहा था, हॉस्टल जा रहा था अपना। तो सब चीज़ देखेंगे इस वीडियो में, और मैं अपना एक्सपीरियंस बताने वाला हूँ भाई कैसा लग रहा है हॉस्टल, पहली बार जा रहा हूँ हॉस्टल और बहुत ज़्यादा नर्वस भी हूँ। तो इस वीडियो को अंत तक देखना यार, और जो भी चीज़ रहेगा मैं बताते बताते चलूँगा, और व्लॉग स्टाइल में होगा तो और भी मज़ा आने वाला है आप लोग को। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, मतलब वीडियो तो शुरू हो ही चुका है, तो चलो देखते हैं आगे का। तो देखो एक्चुअली मैं अभी मतलब हम जाने ही वाले थे, लेकिन अभी मतलब खा के जाते हैं थोड़ा सोचे, क्योंकि रात भर तो मिलेगा नहीं खाना। तो अभी मैं मंचूरियन खाने आ गया हूँ, तो अभी मंचूरियन खा के हम वापस चलते हैं। तो अभी जस्ट यार स्टेशन पहुँचे हैं, और उसके बाद अभी ट्रेन निकलने वाला है, मतलब अभी टाइम तो बहुत है, चले चलते हैं। तो देखो ये रहा यहाँ मतलब स्टेशन है, और मैं चल के आया हूँ, अभी बस आने वाला है थोड़ी देर में। तो बस अभी मैं जाने वाला हूँ, और लगेगा करीबन 3 घंटे। अब यार जैसे ही हम गेट के तरफ पहुंचे, जैसे ही बस से उतरे, तो यार अंदर जैसे ही हमने घुसा, तो यार अंदर घुसते साथ एक एटमॉस्फेयर जो है ना वो बहुत ज़्यादा चेंज हो गया, और हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि यहाँ का जो प्लांटेशन था ना वो बहुत ज़्यादा अच्छा था। और उसके बाद हम थोड़ी देर ऑफिस में बैठे, क्योंकि उस टाइम कुछ खुला नहीं था, और हम बहुत सुबह सुबह आ चुके थे 8 बजे तरफ। उसके बाद मैं आपको पीछे का नज़ारा दिखाता हूँ कि यार आखिर पीछे से कैसा दिखता है और अंदर से भी कैसा दिखता है। हरियाली देखो भाई, इतना हरियाली, मतलब देख के दिल खुश हो गया, मतलब पेड़ इतना सारा है। और ये हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है, और ये उसी के पीछे तरफ सारा है, और ये हमारा CSE का है, ठीक है। और ये दो का तो मुझे पता नहीं, वो सेंट्रल कुछ है शायद, वो लाइब्रेरी रहेगा। और आगे भी बहुत सारा बिल्डिंग है, एक तो बन रहा है सामने तरफ, देखते हैं। अब हमें लग चुका था करीबन 2-3 घंटे, हमने सारा डॉक्यूमेंटेशन पूरा किया, और फिर हम गए हॉस्टल। जो सामने आप बिल्डिंग देख रहे हो ना, ये है N7, और ये मिलता है फर्स्ट ईयर वालों को। और उसके आगे जो आप बिल्डिंग देख रहे हो एक और ब्लू वाला, वो है N8, और वो भी फर्स्ट ईयर वाले को मिलता है। यहाँ पे मतलब जो भी रूम है सारा मस्त है, और बाकी जितना भी बिल्डिंग देख रहे हो ना आप अलग अलग कलर के, वो सब सेकेंड ईयर के हैं। और लेफ्ट साइड के सबसे आगे तरफ में जो है वो हमारा मैस है। तो अभी मैं आपको अंदर का दिखाता हूँ कि जो बिल्डिंग अंदर वो कैसा दिखता है, मतलब बहुत ज़्यादा क्लीन है। और रूम का अंदर का भी दिखाऊंगा, मतलब मैं एक बार अपने दोस्त लोग से मिलने गया था बस, और मेरे पास उतना भी टाइम नहीं था कि मैं आपको सब दिखा सकूं, लेकिन देखने में तो बहुत ज़्यादा अच्छा था। यहाँ आपको 4 शेयरिंग 2 शेयरिंग और सिंगल रूम मिल जाता है फर्स्ट ईयर में, और आपको 6 वाला चाहिए होता है तो उसके लिए आपको सेकंड ईयर का हॉस्टल जाना पड़ता है। लेकिन फर्स्ट इंप्रेशन में तो बहुत ज़्यादा क्लीन था और बहुत ज़्यादा अच्छा भी लग रहा था। अब इसके बाद मैं अपने दोस्त को सरप्राइज देने गया उसके रूम। अरे भाई क्या भाई, क्या कैसा है भाई? बढ़िया भाई, बैठ बैठ बैठ। अरे सुन ना, सेकंड फ्लोर ये पूरा कैंटीन है, और ऊपर का सेकंड फ्लोर जो है ना वो सिंगल लोग हैं, थर्ड और फोर्थ के रहते हैं, नहीं खाते हैं, उनके लिए कैंटीन है। और नीचे लोग फर्स्ट ईयर के लिए। ओपी भाई ओपी।
अब हम खा चुके थे और हमें जल्दी से जल्दी जाना था रायगढ़ क्योंकि हमें अपना ट्रेन पकड़ना था। लेकिन आपको तो पता ही है कि मतलब कभी ना कभी तो देर हो ही जाता है और हमारे साथ भी यही हुआ। हम जल्दी निकलने का कोशिश तो किए लेकिन हो चुका था लेट और उसके बाद आप देख लो क्या हुआ। पता है अभी एक सीन हो गया, मतलब हमारा ट्रेन था 4:50 को लेकिन हम 10 मिनट लेट हो गए। 10 मिनट लेट हो गए तो हमारा ट्रेन छूट गया है। अब ट्रेन है 9:50 को, मतलब रात के 9:50, तो हमें अभी पाँच घंटा अभी रायगढ़ में ही घूमना पड़ेगा। बस वाले ने 10 मिनट लेट कर दिया, बस उसने ट्रेन छूट गया। अभी दौड़ दौड़ के स्टेशन में गए थे लेकिन ट्रेन जा चुका था। किस्मत ही ख़राब है भाई। और बताऊँगा कैसा कैसा लगा मुझे, मतलब रायगढ़ से गुनपुर जाने के लिए। तो भाई अभी ट्रेन तो छूटा तो छूटा लेकिन अभी करे क्या हमें वो समझ नहीं आ रहा, क्योंकि रोड देखो जरा, मतलब सारा दुकान बंद है, मतलब कुछ करने के लिए भी नहीं है यार। तो देखते हैं अभी करना क्या है 5 घंटे। तो तब तक मैं बताता हूँ कि मतलब हमने यूनिवर्सिटी जाके क्या क्या किया। सबसे पहला तो हम घुसे और सबसे पहले डॉक्यूमेंटेशन का जितना भी काम था हमने सब कंप्लीट किया। करीबन हमें 1 आवर 30 मिनट्स कुछ लगा और सारा कंप्लीट हो गया। फिर जो भी मैं गया मेरे दोस्तों के साथ, मतलब उनके हॉस्टल गया मैं, देखा हॉस्टल देखा और हॉस्टल तो बहुत अच्छा लगा। लेकिन मेरा हॉस्टल बुकिंग जो है वो नहीं हो पाया क्योंकि रूम जो है सारा फुल हो चुका था और वो मुझे बाहर का रूम दे रहे थे, तो मैं रूम लिया नहीं, अंदर का ही मुझे चाहिए था, ठीक है रूम। और क्लीन तो बॉय बहुत ज़्यादा था, कैंटीन मतलब वीडियो देख ही रहोगे कितना अच्छा था। और भाई मैं बता रहा हूँ, जब तुम मतलब रायगढ़ से गुनपुर जाओगे ना, वहाँ पे मतलब जो भी मैंने सीन डाला था पहाड़ का, भाई इतना अच्छा लगता है भाई, इतना अच्छा, मतलब कि मैं देखा नहीं था यार इतना सुंदर पहाड़ और फार्मिंग इतना अच्छा अच्छा किए थे। और भाई जितना मैंने कैमरा में दिखाया वो तो कुछ नहीं था यार, आँखों से जब देखोगे ना तब पता चलेगा कि वो कितना ज़्यादा सुंदर है। और मैं जितना रिकॉर्डिंग किया वो तो कुछ भी नहीं था, मतलब कुछ भी नहीं। और उसमें जो स्मेल आता है ना भाई, माउंटेन्स का पेड़ का, बहुत ज़्यादा अच्छा आ रहा था। वीडियो में तो नहीं बता पा रहा लेकिन मोमेंट भाई बहुत बढ़िया था। और अभी वापस से हम घुस गए हैं स्टेशन। और मैं बता रहा हूँ यार, हॉस्टल शुरू में जाने का ना मज़ा भाई बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। और गेट जहाँ पे है यार माउंटेन से पूरा घेरा हुआ है, और भाई जैसे ही तुम घुसोगे ना तो वो एटमॉस्फेयर पहले ही मतलब लगता है कि भाई हाँ ऐसा जगह में गए हो कि अब मज़ा आने वाला है भाई। ऐसा मतलब जैसे ही एंटर हुआ एटमॉस्फेयर बहुत ज़्यादा चेंज हो गया था पहला बार में। मतलब भाई जितना मैं बता रहा हूँ कुछ भी नहीं था, ठीक है, मतलब खुद एक्सपीरियंस करने से पता चलता है, वीडियो में बता नहीं पा रहा हूँ। और अभी तो ब्लॉगिंग स्टार्ट ही किया हमने, मतलब ये पहला वीडियो है, तो जब मैं बना रहा था ना वीडियो सब तो मैं बोल नहीं पा रहा था क्योंकि थे मेरे दोस्त लोग भी थे, तो मैं उतना ठीक से खुल के भी नहीं बता पा रहा था, बस मतलब वीडियोज़ कर रहा था ऐसे ही घूम रहा था। तो शुरू में तो बहुत बढ़िया लगा यार कि डॉक्यूमेंटेशन सब जो काम था ना बहुत ज़्यादा टाइम लगता था दूसरे को, लेकिन मेरे चाचा थे मेरे साथ में तो 1 आवर 1 आवर में कंप्लीट हो गया, आराम से कंप्लीट हो गया। फिर तो भाई आराम से हम घूम रहे थे मेरे दोस्त लोग के साथ, कैंटीन गए, कैंटीन का खाना बहुत ज़्यादा अच्छा था। और भाई मैं जब रायगढ़ से गुनपुर जा रहा था ना, मैं सोचा था कि भाई ट्रेन मतलब बस में जा रहे थे हम, तो इतना अच्छा अच्छा सीन्स आ रहा था कि मैं सोच रहा था कि भाई सबको कैप्चर करना ही है। लेकिन इतना मतलब ठंड, मतलब जो एटमोसफियर था, मतलब जो क्लाइमेट था ना भाई, बहुत ज़्यादा ठंडा था। और बस में बैठते साथ भाई इतना अच्छा नींद आ रहा था ना कि मैं बीच बीच में आँख खुल के देख रहा था कि भाई कोई अच्छा सीन आएगा तो उसको रिकॉर्ड करूँगा। अबे यार ये ट्रेन ना, मतलब इतना अच्छा अच्छा सीन है। अरे देखो 5 घंटे तो यहीं पे बिताना ही है, मतलब कुछ करने के लिए काम है नहीं, तो ऐसे ही बकबक करूँगा अभी। और जो भी क्लिप्स था मैंने सारा तो दिखाई दिया। और मैं लाइब्रेरी तो गया नहीं, जिम भी गया नहीं और स्विमिंग पूल देखने नहीं गया क्योंकि बहुत कम टाइम था हमारे पास और मैं जाके देख रहा था, मतलब विजिट कर रहा था बाकी सारा प्लेसेस, उसीलिए मैं जा नहीं पाया वहाँ। मतलब अगली बार जब जाऊँगा ना, मतलब अभी तो मैं डॉक्यूमेंटेशन जो भी था सारा काम मैं करके आया। और फिर जब हॉस्टल के लिए मैं वापस से जाऊँगा, जब मैं हॉस्टल बुकिंग करवाऊँगा तो एक और बार बनाऊँगा ब्लॉग और तब अच्छे से भी मतलब बताने का कोशिश करूँगा। और तब हम देखेंगे मतलब जितना भी सिनेमा हॉल है, मतलब ऑडिटोरियम है, लाइब्रेरी है और जो भी चीज़ रहेगा ना अच्छे से देखेंगे और एक्सप्लोर करेंगे कैसा है। भाई मुझे तो फर्स्ट इंप्रेशन में भाई बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, मतलब हरियाली भाई बहुत ज़्यादा, मतलब
सोच ही नहीं रहोगे, इतना हरियाली, मतलब इतना अच्छा अच्छा प्लांटेशन वहाँ हुआ है कि मज़ा आता है भाई देखने में। मतलब एटमोसफियर पहले ठंडा ठंडा बहुत ज़्यादा लगता है, और ये ऐसा जगह है ना कि ठंडी का मौसम में बहुत ज़्यादा ठंडी लगता है और गर्मी का मौसम में बहुत ज़्यादा गर्मी लगता है, तो वो चीज़ को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर हॉस्टल तुम ले रहे हो तो ऊपर वाला रूम नहीं लेना है तुम्हें, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। अगर हो सके तो सेकंड फ्लोर ही लेना, सबसे बेस्ट वही रहता है। और पता है सबसे ख़राब बात क्या है रेलवे का, कि मतलब यहाँ वाईफाई तो फ्री का मिल जाता है, जब साइन इन तुम करने जाओगे ना तो यार ये पेज लोड ही नहीं होता यार। मतलब क्या है, मतलब नेट दे भी रहे हो तो भाई कनेक्ट नहीं हो रहा है, और कनेक्ट नहीं होगा तो भाई नेट कैसे चलेगा। तुम नाम का बस फ्री का दे रहे हो और कनेक्ट होता ही नहीं है भाई। मुश्किल से मैं बहुत बार ट्राई किया और एक बार कनेक्ट हुआ, फिर मैं वापस आया तो फिर वापस से कनेक्ट नहीं हुआ। मतलब क्या है, घंटा बाकी है यार। तो यार कैसा लगा ब्लॉग जरूर बताना, क्योंकि मैं जैसे ही घर आया ना मैं ब्लॉग नहीं बना पा रहा था क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गया था। तो डायरेक्टली मैं स्टेशन से लेके मेरे घर तक का मैं कुछ ब्लॉग नहीं बनाया, और अभी मैं बता दे रहा हूँ कि यार थैंक यू ब्लॉग देखने के लिए। और मैं छोटा सा ब्लॉग बनाया, मतलब छोटा सा तो नहीं, बड़ा सा ही ब्लॉग था, लेकिन उतना मैं मतलब प्रैक्टिस नहीं था कि मैं ब्लॉग कैसे बनाते हैं, तो मैं उतना ठीक से बता भी नहीं पा रहा था। लेकिन मैं ट्राई किया ब्लॉग करने का पहला बार में, तो आपको अच्छा लगा ही रहेगा और ऐसे ही ब्लॉग आते रहेगा। मतलब ऐसा डेली तो नहीं आते रहेगा, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि 3-4 महीने में एक दो ब्लॉग आते रहे। मतलब कुछ अगर मैं कहीं घूमने जा रहा हूँ या फिर कुछ अलग चीज़ हो रहा है तो मैं उस चीज़ का ब्लॉग बनाने का कोशिश करूँगा। और थैंक यू हमारा वीडियो देखने के लिए, और सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को, लाइक करो वीडियो को, और शेयर करना जितना हो सके जो भी मतलब मेरी यूनिवर्सिटी, तो वो तो भाई शेयर करना ही जरूर। और मिलते हैं हमारे किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक क्लियर, गुड बाय।